सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सके। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, इसका फंक्शंस क्या है, मैंने अपने जो टोकन वाला चैप्टर था उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो आज को हम लोग स्पेसिफिक एकदम पढ़ेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स एक्चुअली में क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ऑपरेटर्स आर द सिंबॉलिक कैरेक्टर्स व्हिच ऑपरेट द स्टेटमेंट एंड फॉर्म एन एक्सप्रेशन। ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबॉलिक कैरेक्टर होता है जो कि एक स्टेटमेंट को ऑपरेट करता है और उस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में अलग अलग टाइप का ऑपरेटर्स हैं। जो नंबर वन है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर जो कि एरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। उसका बाद नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड एट लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो हम लोग एक एक करके हर एक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। हम लोग सब ऑपरेटर एक ही वीडियो में पढ़ने नहीं सकेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फर्स्ट थ्री जो ऑपरेटर्स है वो हम लोग आज को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते विथ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होता है वो एक बाइनरी ऑपरेटर्स होता है जो कि टू ऑपरेंड में फंक्शन करता है, जिसका ऑपरेंड टू होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, एरिथमेटिक एडिशन, एरिथमेटिक सब्ट्रैक्शन, एरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन जो कि एक एस्टरिक साइन होता है, एरिथमेटिक डिवीजन जो कि स्लैश होता है, एरिथमेटिक मोडुलस, मोडुलस का काम होता है रिमाइंडर निकालना, तो इसको हम लोग परसेंटेज साइन से डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद एरिथमेटिक फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन दो डिवाइड साइन होता है जो कि फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट करता है। और एरिथमेटिक एक्सपोनेंशियल जो कि दो एस्टरिक साइन होता है जिसमें हम लोग एक जो नंबर होता है उस नंबर का पावर हम लोग निकालने सकेंगे। तो चलिए ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग एक एक करके सब जानते विथ एग्जांपल। हम लोग पाइथन ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट अभी हम लोगों को पढ़ना है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि है एरिथमेटिक एडिशन। तो हम लोग मान लीजिए दो वैल्यू यहाँ में डिक्लेयर कर लेंगे, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। हम लोग के पास में दो वैल्यू है जैसे कि आप देख सकते हैं, a का वैल्यू 10 है, b का वैल्यू 20 है। तो ये दोनों वैल्यू को अगर हम लोग को प्लस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। सपोज c इक्वल टू a प्लस b। तो जैसे कि आप देख सकते हैं c में ए और बी का जो एडिशनल वैल्यू है, एडिशन वैल्यू है वो सी में चला गया। अगर हम लोग सी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ हमें 30 डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 30 डिस्प्ले हो चुका है। तो ए हो गया एरिथमेटिक ऑपरेटर जो आप लोग को पता ही है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, सी इक्वल टू ए माइनस बी, सी का वैल्यू माइनस 10, जो कि 10 से अगर हम लोग 20 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आता है माइनस 10। तो वैसे ही अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे, c इक्वल टू a इंटू बी, सी का वैल्यू 200, दैट मीन्स 10 इंटू 20 इक्वल टू 200। तो वैसे ही c इक्वल टू a डिवाइड बी, सी का वैल्यू 0.5, दैट मीन्स 10 को अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 वैल्यू आएगा। तो वैसे ही c इक्वल टू, अगर हम लोग देते हैं, मान लीजिए हम लोग नया वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू मैंने डिक्लेयर किया 3, ये मेरा नया वैल्यू है। a का और b का जो वैल्यू है वो चेंज करके मैंने नया वैल्यू डिक्लेयर किया है, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 3। अगर मान लीजिए मुझे c में a डिवाइड b इनिशियलाइज करना है तो एक जो c है c का वैल्यू आ जाता है 3.3333, ये हो गया मेरा c का वैल्यू। लेकिन मुझे एक ऐसा ऑपरेटर यूज करना है, या तो एक ऐसा वैल्यू चाहिए मुझे जो कि ये जो मेरा
ये जो मेरा पार्ट है, जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको ट्रंकेट कर देगा, इसको नहीं डिस्प्ले नहीं करेगा इसको, मुझे ऐसा एक ऑपरेटर चाहिए। तब हम लोग लिखेंगे c इक्वल टू a डिवाइड डिवाइड b। ये जो दो डिवाइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन इसको हम लोग बोलते हैं। एंटर कर देंगे c का वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हैं 3। सो फ्लोर डिवीजन से क्या होता है, डिवाइड ही होता है, लेकिन डिवाइड होने के बाद में जो डेसिमल वाला पार्ट है वो पार्ट आपको डिस्प्ले नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। तो चलिए फिर से हम लोग ए का वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, सपोज 5, बी का वैल्यू सपोज 2, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू ए इंटू इंटू 2। तो ए जो मैंने लिखा है, ए एक्सपोनेंशियल साइन इंटू इंटू, दो एस्टेरिक साइन मैंने दिया है, उसके बाद मैंने 2 लिखा है, इसको एंटर कर देने से, उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ सी, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ में वैल्यू आया है 25। दैट मीन्स ए हो गया मेरा बेस नंबर और इसका जो पावर है, पावर हो गया मेरा 2। तो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 25 होता है। तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 इंटू इंटू 3, मैं अगर 3 को क्यूब करता हूँ तो क्या आता है, 27 आता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या आता है, 27। तो ए मेरा हो गया एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि जो मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 2 इक्वल दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो एक चीज आपको जानना पड़ेगा, जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर जो वैल्यू हम लोग को रिटर्न करता है वो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं एक एक करके। तो जैसे कि मान लीजिए मैं अगर वैल्यू डिक्लेयर कर लेता हूं a इक्वल टू, सपोज मुझे डिक्लेयर करना है 5, b इक्वल टू मुझे डिक्लेयर करना है 10। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, फर्स्ट वाला जो मेरा था a लेस देन b, तो जैसे कि a ट्रू है, a लेस देन b, a का वैल्यू क्या है 5 है, b का वैल्यू क्या है 10 है, तो ऑब्वियसली a क्या होगा, b से छोटा होगा, तब क्या हो जाएगा, मेरा जो आउटपुट है वो ट्रू डिस्प्ले करेगा। तो लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a लेस देन b, लेकिन अभी क्या होगा, जो मेरा वैल्यू है वो, जो आउटपुट है मेरा वो फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि a का वैल्यू मैंने क्या लिखा है 10 लिखा है, b का वैल्यू मैंने क्या लिखा है 5 लिखा है। तो क्या होगा, a b से छोटा नहीं होगा, a b से बड़ा होगा, तो इसलिए क्या आया है हमें, फॉल्स आया है। तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू, फिर से मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, तो अभी अगर मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन b, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं ग्रेटर देन साइन मैंने यूज किया है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 5 है, b का वैल्यू क्या है 10 है, तो a का वैल्यू कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू 5 कर देता हूँ, तब क्या होगा, a ग्रेटर देन b, अभी क्या हो जाएगा, जो मेरा वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगा। तो a हो गया मेरा लेस देन और ग्रेटर देन का आउटपुट। अभी नेक्स्ट आता है लेस देन इक्वल। अभी मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, तो मैं लिखता हूँ a लेस देन इक्वल टू b, अभी जो मेरा वैल्यू है वो क्या आया, फॉल्स आया। अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, अभी मैं लिखता हूँ a लेस देन इक्वल टू b, अभी मेरा वैल्यू क्या आया, ट्रू आया। क्योंकि ये जो लेस देन और इक्वल टू साइन होता है, लेस देन एक ही ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर नहीं है, इसको हम लोग एक ही ऑपरेटर करके इवैल्यूएट करेंगे। तो ये जो ऑपरेटर होता है ये चेक करता है
whether the previous value is less than or equal to b. दोनों में से कोई भी एक होने से हो जाएगा, less भी हो सकता है या तो equal भी हो सकता है, किसका, b का. तो वैसे यहाँ में भी a का value छोटा भी हो सकता है या तो equal भी हो सकता है, किसका, b का. दोनों में से कोई भी अगर एक condition fulfill होता है तो value true दिखाएगा, लेकिन अगर एक भी condition fulfill नहीं होता है तब यहाँ में क्या होगा, जो output है वो false दिखा देगा. तो a मेरा होता है less than equal to. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सपोज मान लीजिए मैंने वैल्यू डिक्लेयर किया a इक्वल टू 5, b इक्वल टू मैंने लिखा 6. a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मेरा आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया, क्योंकि a कभी भी b से बड़ा नहीं होगा. a का वैल्यू क्या है, 5 है, जो कि b से छोटा है. लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, अभी क्या होगा, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, अभी जो मेरा वैल्यू है वो क्या होगा, ट्रू होगा. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, अभी भी जो मेरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि a का वैल्यू b से क्या है, बड़ा है. जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो ही हम लोग का चल जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. लेकिन एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होता है तब वैल्यू क्या होगा, फॉल्स होगा. तो वैसे ही a इक्वल टू 5, b इक्वल टू मैंने लिखा 10, अभी मैंने लिखा a इक्वल इक्वल b, अभी जो मेरा वैल्यू है वो फॉल्स. मतलब इक्वल 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 टू साइन क्या करेगा, एक्यूरेटली चेक करेगा वेदर द टू वैल्यूज आर इक्वल और नॉट. अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 10, a इक्वल इक्वल b, तब जो मेरा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं a का और b का वैल्यू क्या है, दोनों सेम है. तो यहाँ मैं कंपेयर कर रहा है, a का वैल्यू b का वैल्यू सेम है कि नहीं, हाँ सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ में ट्रू. लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं a नॉट इक्वल टू b, अगर हम लोग लिखते हैं तब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ये जो मैंने लिखा है एक्सक्लेमेटरी साइन मैंने लिखा है, इसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग में नॉट, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं, जो कि होता है शिफ्ट 1 प्रेस करने से ये नॉट साइन एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाता है. तो यहाँ में मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू b, मतलब a b का इक्वल नहीं है. क्या ये स्टेटमेंट सही है जो मैंने लिखा है, नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ में क्या है, a और b क्या है, इक्वल है, लेकिन मैंने क्या लिखा है a नॉट इक्वल टू b, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, तो a क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, अगर अभी मैं लिखता हूँ a नॉट इक्वल टू b, अभी मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू b, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है. तो यहाँ में मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा आउटपुट है वो ट्रू दिखाएगा. तो a हो गया मेरा रिलेशनल ऑपरेटर. तो चलिए अभी जानते हैं नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स. तो चलिए जानते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है. असाइनमेंट ऑपरेटर्स फ्रेंड ऐसा होता है जो वैल्यू को इंक्रीज करता है, वैल्यू को बढ़ा देता है, या तो वैल्यू को कमा देता है, मतलब नया वैल्यू असाइन करता है वेरिएबल में, उसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. दैट मीन्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ में a इक्वल टू a प्लस 5 और a प्लस इक्वल टू 5, ये दोनों सेम है, कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं. a इक्वल टू a माइनस 5 और a माइनस इक्वल टू 5, ये दोनों में से कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं, दोनों सेम होता है. तो वैसे ही a इक्वल टू a इंटू 5 और a इंटू इक्वल टू 5, a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5 और a डिवाइडेड बाय इक्वल टू 5, दोनों सेम है. a इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 5 और a फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 5, दोनों सेम है. तो वैसे ही a इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल 5 और a एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 5, ये दोनों भी क्या होता है, सेम होता है. तो चलिए एक एक करके जानते हैं. ये जो मैंने
वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल का फंक्शंस क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू डिक्लेयर कर लेंगे, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू मान लीजिए 2। तो अभी क्या करना है मुझे, सपोज मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू ए प्लस बी, क्या मैंने लिखा है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए का वैल्यू क्या था 5 था, 5 का साथ में क्या कितना इंटू हुआ, कितना प्लस हुआ बी, बी का वैल्यू क्या था 2, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। चलिए एंटर करते हैं, ए का वैल्यू चेक करते हैं, देखिए ए का वैल्यू 7 हो गया। तो एट प्रेजेंट ए का वैल्यू क्या है, अभी एट प्रेजेंट ए का वैल्यू क्या होगा 7, अभी ए का वैल्यू 7 है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं ए प्लस इक्वल टू बी, क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि क्या मैंने क्या बोला था, ए इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस इक्वल टू बी दोनों सेम है। इसमें भी क्या होता है, ए का साथ में बी प्लस हो जाएगा, यहां में भी ए का साथ में बी प्लस हो जाएगा, तो ए का मेरा लास्ट वैल्यू क्या था 7 था, तो 7 का साथ में बी का वैल्यू क्या है 2 है, वो प्लस हो जाने से मेरा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ए हो गया मेरा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि प्लस से किया जाता है, इंक्रीमेंट इंक्रीज होता है वैल्यू। तो वैसे ही हम लोग अगर लिखते हैं ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2, तो मैं लिख रहा हूँ ए इक्वल टू ए माइनस 5, ए का वैल्यू आप देख सकते हैं, सॉरी हमें गलती हो गया, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2 और मैंने लिखा है ए इक्वल टू ए माइनस बी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए का वैल्यू 3 हो गया। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूँ ए माइनस इक्वल टू बी, तो यहाँ में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 2 बार क्या हुआ 2 2 करके माइनस हुआ, लास्ट वैल्यू क्या है 1, ये दोनों सेम है, ए इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, ए माइनस इक्वल टू बी, ये दोनों क्या होता है सेम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2, अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू ए इंटू बी, अभी ए का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि क्या मैंने क्या लिखा है ए इंटू बी मतलब 5 इंटू 2, इनिशियलाइज कहाँ में हुआ ए में हुआ, ए का वैल्यू कितना हुआ 10 हो गया। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूँ ए इंटू इक्वल टू बी, अभी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू क्या था 10 था, तो 10 का साथ में बी इंटू हो गया, कितना हो गया 10 इंटू 2 20 हो गया। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूँ, सपोज मान लीजिए मैंने लिखा फिर ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2, अभी मैंने लिखा ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, अभी ए का वैल्यू मेरा क्या हो गया 2.5 हो गया, 5 को 2 से डिवाइड करने से क्या होगा 2.5 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं लिखता हूँ ए डिवाइड इक्वल टू बी, तो मेरा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी 1.5 हो जाएगा, दैट मीन्स अगर मैं 2.5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1.5 हो जाएगा मेरा वैल्यू, 1.25 हो जाएगा मेरा वैल्यू, दैट मीन्स ए इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी एंड ए डिवाइडेड बाई इक्वल टू बी दोनों क्या होता है सेम होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू ए फ्लोर डिविजन बी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले भी मैंने लिखा था ए का वैल्यू 5 लिखा, बी का वैल्यू 2 लिखा, यहां में भी सेम लिखा मैंने, लेकिन पहले मैंने डिवाइड किया था, अभी मैंने फ्लोर डिविजन किया है। तो ए का वैल्यू पहले क्या आया था 2.5 आया था, लेकिन अभी ए का वैल्यू क्या आया 2 आया, क्योंकि ये जो फ्लोर डिविजन होता है ए भी डिवाइड ही करता है, लेकिन मेरा जो आउटपुट है उससे पॉइंट वाला जो पार्ट है, पॉइंट का राइट साइड में जो पार्ट है, इसको ट्रंकेट कर देता है, इसको डिस्प्ले नहीं करता है। तो वैसे ही मैं लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डिवाइड डिवाइड इक्वल टू फ्लोर डिविजन इक्वल टू बी, तो अभी मेरा ए का वैल्यू फिर से आप देख सकते हैं 2, तो ए इक्वल टू ए फ्लोर डिविजन बी और ए फ्लोर डिविजन इक्वल टू बी दोनों का आंसर क्या होता है सेम होता है। तो वैसे ही फिर से मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 2,
अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल b, अगर मैं लिखता हूँ तो मतलब a का जो पावर है वो क्या है, b है, मतलब 5 का पावर क्या है, 2 है, तो 5 का अगर पावर 2 होता है तो वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। तो वैसे अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 2, तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a एक्सपोनेंशियल इक्वल टू b, अभी भी वैल्यू सेम होगा 25। मतलब जैसे कि a इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल b, तो वैसे ही a एक्सपोनेंशियल इक्वल टू b दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसमें भी क्या होगा, 5 का पावर 2 है, यहाँ में भी क्या होगा, 5 का पावर 2 होगा, तो यहाँ में आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सॉरी 25 आ जाएगा। तो a जो है, a मेरा हो गया रिलेशन, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो ऑपरेटर्स होता है वो ऑपरेटर का साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो का अंत में लाइक जरूर दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।